हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनीज मिराकी। और मैं हूँ शालिनी। होप गाइज आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो आप लोगों से बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। सो, अभी मैं आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो लेकर। ये मेकअप लुक आप देख रहे हो, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। और अगर आप मेरी लाइव अपडेट से जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करो, आपको सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। ये रक्षाबंधन स्पेशल वीडियो है। अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले हम देखते हैं इसको कैसे अचीव करना है। So guys, let's get started with the video. सो गाइज, सबसे पहले मैंने अपने फेस को प्रेप किया है, नॉर्मल फेस वॉश किया था, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर लिया है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा पसंद है मुझे। एंड उसको अच्छे तरीके से प्रेप कर लूँगी अपने स्किन को। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर की जगह पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने ये वाओ का एलोवेरा जेल यूज़ करना स्टार्ट किया है, एंड दिस इज़ अमेजिंग गाइज। वो वाला भी अच्छा है, पतंजलि वाला, बट ये मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद मैं यहाँ पे एडीएस का कंसीलर यूज कर रही हूँ, स्टिक फॉर्म में है ये। कंसीलर कर रही हूँ, ज्यादा डार्क सर्कल नहीं है बट स्टिल। और जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं, जहां पे हाईलाइट करना होता है, तो वहां पे मैंने इसे अप्लाई किया है। और अच्छे तरीके से ब्रश की हेल्प से इसे हम ब्लेंड कर देंगे। आप यहां पे देख सकते हो कितनी ईजिली ये ग्लाइड हो जाता है स्किन में। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन। यहाँ पे मैं मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और इसको डायरेक्टली मैं ब्रश पे ही पोर कर लूँगी, और उसके बाद डॉट 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 करके अपनी पूरी फेस पे से अप्लाई कर लूँगी। इसी ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड भी कर लूँगी। और जब आप अपने स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप कर लेते हो ना गाइज, तो फाउंडेशन बहुत ईजिली ग्लाइड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से एक नेचुरल फिनिश दे रहा है ये मेरे स्किन को। अपने फॉरहेड वाले एरिया को भी ना अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे, हेयर लाइन को बिल्कुल मैच कर लेंगे, ताकि अलग से एक हार्श लाइन ना दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बॉडी शॉप का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिससे मैं जहाँ जहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है या फाउंडेशन, उसको अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। क्रीजिंग से बचाता है ये, तो गर्मियों में या कभी भी फाउंडेशन के बाद कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटी ग्लैच का आई शेडो पैलेट। बहुत ही अमेजिंग पैलेट है गाइज, एक बार ज़रूर ट्राई करो। एक अफोर्डेबल टीनेजर के लिए या फिर प्रोफेशनल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक लाइट ब्राउन शेड, जिससे मैं अपने ट्रांजिशन शेड दे रही हूँ इसे अपनी क्रीज पे, क्रीज लाइन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। और बहुत ही हल्के हाथों से थोड़ा 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 कलर लेकर ना इसे अच्छे तरीके से बिल्ड करना है हमें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज मैंने लाइट शेड लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पेंसिल ब्रश की हेल्प से ना उससे थोड़ा सा और डार्क ब्राउन शेड लूंगी, और उसे बिल्कुल क्रीज लाइन पे एक पतले ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई कर लूंगी। ब्लेंड हम इस ब्रश से नहीं करेंगे, बस इससे हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैंने सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से, जिससे हमने लाइट ब्राउन शेड अप्लाई किया था ना, उससे अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे, ताकि बीच में कोई भी हार्श लाइन ना रहे। ये बहुत ज़्यादा हेवी लुक नहीं है, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। फिर यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी एक ब्लू काजल, आप इसको आईलाइनर कह सकते हो, लाइक कलर्ड आईलाइनर। ये एलन ब्लू का है और ये बहुत ही अमेजिंग है, आप एक बार ट्राई करो, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है गाइज, लिटरली आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसको मैं अपने आईलाइनर की तरह इसे अप्लाई कर लूँगी दोनों आँखों पर अच्छे तरीके से, और इसे हमें ब्लेंड करना है, लाइक थोड़ा सा ना स्मज वाला लुक देना है। उसके बाद मैंने उसी पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से स्मज किया है, बट स्मज करते टाइम पे मैंने यहाँ पे ना ब्लू आई शेडो भी ले लिया है, ताकि पाउडर की हेल्प से ना वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि ये आईलाइनर ना स्मज प्रूफ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं होता उसकी वजह से। तो धीरे 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 करके, आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, धीरे 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 करके इसको अच्छे तरीके से ना ब्लेंड कर लेना है, ताकि थोड़ा सा स्मोकी लुक आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया, एक स्मोकी लुक आ रहा है। एंड उसके बाद हम अपने लोअर लैश लाइन के लिए ना सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लू आई शेडो को ले लेंगे और उसे अप्लाई करेंगे। पूरे पे नहीं करना है आपको, 3/4 के अराउंड आपको करना है। एंड उसके बाद जो ब्राउन शेड हमने यूज़ किया था, लाइट ब्राउन शेड, उसके बाद उसको हमें अप्लाई कर लेना है, ताकि अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन मैच हो जाए। उसके बाद हम अब आएंगे अपने आईब्रो की तरफ। तो आईब्रो करने के लिए मैंने यहाँ पे एक आईब्रो पेंसिल
पेंसिल लिया है जो कि ब्राउन शेड का है, इससे बहुत ही नेचुरल लुक आता है। और स्ट्रोक आप देख रहे हो किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, मतलब वर्टिकली इसको स्ट्रोक देना है जहाँ पे आपके गैप्स हैं और उसके बाद उसको फिल इन कर लेना है। जस्ट इसमें एक स्पूली दी हुई है, बहुत ही हैंडी होती है ये, उसके हेल्प से मैं इसे स्मज कर लूँगी। तो देख रहे हो आप कितना अच्छा सा लुक आया है। नेक्स्ट हम आते हैं गाइस कंटूरिंग के लिए। कंटूरिंग लाइट कंटूरिंग करी है मैंने, बिकॉज ये डे लुक है तो मैंने बहुत ड्रामेटिक नहीं किया है, तो ब्राउन शेडो से मैंने लिक्विड यूज़ नहीं किया है, तो ब्राउन शेडो के हेल्प से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कंटूरिंग इफेक्ट दिया है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है निका के का ब्लश पैलेट, जिसमें से ये लाइट पिंक शेड को मैंने चूज़ किया है और इसको अपने चीक बोन पे अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं नोज़ कंटूरिंग की तरफ। तो सेम आई शेडो जो ब्राउन शेड मैंने इस्तेमाल किया था कंटूरिंग के लिए, उसी से मैं अपने नोज़ को भी कंटूर करूँगी एक पतले ब्रश से एंड फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी, बिकॉज मुझे ना फिंगर से ब्लेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो हार्श लाइन नहीं रहती है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे हो गाइज, ये लाइक दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ये कुर्ता मैंने मीशो से लिया है, अगर आप लोग मीशो के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये एक वेबसाइट है, एक शॉपिंग एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप शॉप कर सकते हो, एंड बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में गाइज, बहुत ही अच्छा है। और ये कुर्ता तो लाइक ना पहली बार मैंने ट्राई किया है कुर्ता, एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइज, सो ब्यूटीफुल। प्योर कॉटन है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इफ़ यू वॉन्ट देन चेक इट आउट गाइज। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है ब्राउन शेड की, थोड़ी सी डार्क ब्राउन है, रेड नहीं है, ये कैमरे की वजह से लाइक मेरे ख्याल से लाइटिंग की वजह से लग रही है, बट ये डार्क ब्राउन है। मेकअप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से मैंने यहाँ पे मेकअप को सेट कर लिया है एंड उसके बाद हेयर्स को थोड़े से कर्ल किए हैं एंड टाडा माई लुक इज कम्प्लीटेड गाइज। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी जो पहनी है ये भी अगेन मीशो से है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है गाइज। अगर आप इसी को मार्केट से कहीं से लोगे ना तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, बट ये बहुत ही अफोर्डेबल है। हाँ मैं यहाँ पे ना हाइलाइटर लगाना ही भूल गई थी यार, बिना ग्लो का कैसे काम चल सकता है। तो यहाँ पे मैं निका के का ही हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही लाइट यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें वैसे भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही शटल है, तो इसे मैं अपने जितने भी हाई पॉइंट्स ऑफ माय फेस हैं उनको हाइलाइट कर रही हूँ, जैसे सेंटर ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, माय चिन एरिया एंड एप्पल ऑफ माय चीक्स एंड द ग्लो इज देयर। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक लग रहा था गाइज ये, एंड छोटा सा बिंदी मैंने बीच में इस्तेमाल किया है, बिंदी नहीं है ये, एक्चुअली काजल के हेल्प से मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। और यहाँ पे मैं अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ उसी हाइलाइटर के हेल्प से। सो ओवरऑल जो लुक है ना गाइज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, ड्यूई भी है, एंड साथ ही साथ आप इसे डे टाइम में वेयर कर सकते हो बहुत ही कम्फर्टेबली, बहुत ही कम टाइम में ये क्रिएट कर सकते हो आप, और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ इसे आप कैरी कर सकते हो, इसे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चूड़ियाँ पहन रही हूँ, बैंगल्स, कुछ सिल्वर ज्वेलरीज थी मेरे पास, सो उसे मैं यहाँ पे कैरी कर रही हूँ, जो कि ये पूरे सेट के साथ ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एंड दिस कुर्ता इज अमेजिंग, गॉर्जियस गाइस। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। सो होप आपको ये लुक, आपको ये पूरा लाइक कंप्लीट लुक, मेकअप एंड ओवरऑल आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आप इसे ज़रूर क्रिएट करोगे। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।